नेक्स्ट टॉपिक है ओमजला। ओमजला ने रिलेशन दिया था करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। लास्ट टाइम की वीडियोज में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो सिंपल सा है, ओम्स ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके दौरान उसको ये ऑब्जर्वेशन आई कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई रिलेशन बन रहा है। तो उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इसने क्या किया, एक ला दिया, नाम था ओम्स ला। एक बार लिखिए, इसका स्टेटमेंट लिखिएगा, इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन फिजिकल कंडीशन आर कांस्टेंट। कौन सी कंडीशन होंगी फिजिकल कंडीशंस? देखिए, जिस पर भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वायर का लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, एरिया चेंज ना हो, वायर चेंज ना हो, ठीक है, ये क्या है इसकी टेम्परेचर चेंज ना हो, ये क्या है इसकी फिजिकल कंडीशंस। इसने बोला कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या उल्टा लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब इसने क्या किया, इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट डाला, V इज इक्वल टू आर आई। ये साइन किसका है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो V इज इक्वल टू आर आई, वेयर R इज, R को नाम दिया इसने, ये कांस्टेंट है, R एक कांस्टेंट डालते हम लोग इस साइन को हटाने के लिए, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को। इसने नाम दिया इसको रेजिस्टेंस, आगे टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या नाम दिया इसने इसको रेजिस्टेंस। तो दिस इज द ओम्स लॉ, ठीक है। अब इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, देखिए, एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या किया, देखो, इन्होंने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज किए थे डिफरेंट वायर के लिए। तो देखिए, इन्होंने एक बैटरी लिया, लास्ट टाइम हम लोगों ने सिंबल्स बनाए थे बैटरीज के, बैटरी के डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के, उन सिंबल्स को यूज़ करना। मेरे को, हमने एक बैटरी ली, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक की लगाई, इट इज़ ओपन की इनिशियली, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया, इस सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इट इज़ आर। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने के लिए एक रियोस्टेट लगाया गया, ये ऑप्शनल होता है, यहाँ पे इट इज आर एच। और करंट मापने के लिए इसने क्या यूज किया, एक एमीटर, याद है करंट किसे मापते हम लोग, एमीटर से, नेगेटिव पॉजिटिव। और आपने रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज मापने के लिए इसने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगाया, इट इज वी, ठीक है। ये था इसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। जब इसने की को ओपन किया, सॉरी की को क्लोज किया और रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया यहाँ से, तो ऑब्जर्वेशन आई कि करंट और वोल्टेज की रीडिंग में भी क्या आया, वेरिएशंस हुआ। तो उस वेरिएशंस के बेसिस पे इसने टेबल बनाई और डिफरेंट रीडिंग ली। टेबल किसके बीच की थी, टेबल थी करंट और वोल्टेज के बीच की। करंट की रीडिंग कौन देगा, एमीटर देगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग को, वोल्टेज की रीडिंग को वोल्ट मीटर देगा, ठीक है। तो डिफरेंट रीडिंग्स पे वी और आई की वैल्यू यहाँ पे आई। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वी और आई का एक ग्राफ बनाया इस रीडिंग के बेसिस के ऊपर। एक तरफ रखा इसने करंट और एक तरफ रखा इसने पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्जर्वेशन आई, सारी रीडिंग्स के पॉइंट जो मिलाए गए, इट इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजन पॉइंट, ठीक है। अगर आप क्या शो कर रहा है, लाइन क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसका मतलब ये है कि जितना वोल्टेज में चेंज किया जाएगा उतना ही करंट में चेंज होगा। ऐसे अगर वोल्टेज बढ़ा दी जाए तो करंट भी बढ़ेगा। तो बोल सकता हूँ वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। दिस इज द ओम्स लॉ, ठीक है। ये डायग्राम बनाइए, ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस।
देखिए ओम्स लॉ से एक कांस्टेंट वैल्यू सामने आई थी जिसका नाम था रेजिस्टेंस। अब आगे इसने रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन किया क्या है। देखिए रेजिस्टेंस जो वर्ड है ये रेजिस्ट वर्ड से बना हुआ है। रेजिस्ट मतलब अपोज करना। किसको अपोज किया जा रहा है, चल कौन रहा है, चल रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स या करंट बोल सकते हैं। जो करंट को अपोज करेगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो सिंपल है, यहाँ से जो डेफिनेशन देंगे हम इसको एज ए प्रॉपर्टी की तरह देंगे डेफिनेशन। देखिए रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच कैन अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, विच कैन अपोज द फ्लो ऑफ ए चार्ज पार्टिकल या विच कैन अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ए रेजिस्टेंस। जो चार्ज के फ्लो को रोकेगा वो प्रॉपर्टी क्या है मैटर का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए जो ओम्स लॉ मैंने यूज किया था, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का इक्वेशन आया था V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई। तो R का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ से, V बाई आई। तो ये सिंपल फार्मूला है जो रेजिस्टेंस का, वो क्या बनता है, V बाई आई। तो सिंपल ले सकते हैं एक और डेफिनेशन, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है इज द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ए करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ए करंट। इस रेशो क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस मापे किस में, यूनिट क्या हो रेजिस्टेंस का, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए क्योंकि ओम्स ने इसके बारे में बताया था कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो इसकी यूनिट भी इसी के नाम से रखी गई है। इसकी यूनिट है ओम, OHM, उसका सिंबल सी बनता है, दिस इज सिंबल ऑफ ओम, ये ग्रीक सिंबल। ठीक है, अगर आपको डिफाइन करना हो वन ओम रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, वन ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट हो और करंट कितना हो वन एम्पियर हो, तब जो अपोजिशन किया जाएगा इट इज कॉल्ड ए वन ओम। डिफाइन करो यहां से, लिखिए वन ओम इज दैट रेजिस्टेंस व्हेन वन एम्पियर करंट फ्लो, वन एम्पियर करंट फ्लो इन वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, अगर एक एम्पियर करंट फ्लो करता है वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का वो कितना होगा, इट इज ए वन ओम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू पे फर्क पड़ता हो। तो पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस के ऊपर। देखिए सिंपल से एग्जांपल करते हैं, हमारे पड़ेगा मान लीजिए हम चार्ज पार्टिकल्स हैं और हमें एक गुफा के अंदर जाना है। ठीक है, जब गुफा के अंदर एंटर करेंगे तो रास्ते में जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे मोशन को अपोज करेंगे, वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। अब जितनी लंबी गुफा होगी उतना ही ये पोजीशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात ये है, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर को इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट लेंथ ऑफ कंडक्टर के अंदर, लिखिए लिखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। तो पहला पॉइंट है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। सेकंड पॉइंट है एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन।
देखिए ये जो चौक है कितनी मोटाई का है ये एरिया बताएगा आपको, इट इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। अब हम किसी सुरंग में जा रहे हैं जिसका एरिया बहुत बड़ा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस बहुत बड़ा है, तो हम उस सुरंग के अंदर इजीली एंटर कर पाएंगे, यानी जितनी ज़्यादा बड़ा एरिया यूज़ होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, यानी जितनी मोटी वायर आप यूज़ करोगे उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा उसका कम होगा। तो लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस के। थर्ड पॉइंट है नेचर, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। थर्ड पॉइंट है देखिए जो भी आप सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो, जिसका भी वायर है आपका, जिसका जो भी कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हो, उस कंडक्टर के लिए हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ ए सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तीनों पॉइंटों को मिला के मैं ऐसे ले सकता हूँ, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। इस साइन को हटाने के लिए, ये साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का, मैंने डाल दिया अल्फा, अल्फा एल बाई, सॉरी, इस साइन को हटाने के लिए हमने डाल दिया कॉन्स्टेंट रो एल बाई ए, वेयर रो इज कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट है, इसका नाम दिया गया रेजिस्टिविटी। क्या नाम दिया इसको, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रो जो यहाँ से कांस्टेंट से वैल्यू आई है, एक नाम और भी है इसका, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी, इसी से बन के आया है। हमारे पास फार्मूला क्या था रेजिस्टेंस का, आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल बाई ए। ठीक है, मैं अगर ये बोल लेता हूँ व्हेन एल इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वेयर, तो मैं लिखा जा सकता है यहाँ से इस फार्मूले से आर इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, आर इज इक्वल टू रो, ये 1/1 हो गया, आर इज इक्वल टू रो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोला गया उसको, या रेजिस्टिविटी को, कि नाम और भी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहा गया, क्योंकि इस कंडीशंस के दौरान ये रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। लिख लीजिए रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर या ऑफ द मैटर बिकेम इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट मैटर विच हैव 1 मीटर लेंथ एंड ए 1 मीटर स्क्वेयर एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, 1 मीटर स्क्वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलेंगे कि किसी मैटर का रेजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी अगर उसकी लेंथ 1 मीटर की हो और एरिया 1 मीटर स्क्वेयर का हो। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसका फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाई एल लिख सकता, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाई एल। यूनिट क्या होंगी इसकी, यूनिट ऑफ रो, आर की यूनिट क्या होती है ओम्स, इसको ओम से लिखते हैं, एरिया मीटर स्क्वेयर बटे लेंथ, ये मीटर हो गया, तो यूनिट क्या बनी मेरी, इट इज ओम मीटर, यूनिट क्या होगी ओम मीटर। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसमें देखिए आगे लिख देखते हैं, रेजिस्टिविटी इज ओनली डिपेंड अपॉन, ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ए सब्सटेंस, ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या करती है, सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पे ही क्या करती है, डिपेंड करती है।
अगर आपने कॉपर वायर यूज़ की हुई है उसकी लेंथ को आप डबल कर दो, एरिया हाफ कर दो, तो रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉपर वायर ही है अभी भी वो, ठीक है। अगर आपने वायर ही चेंज कर दिया, कॉपर से आयरन पे चले गए, तो पक्की है रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी वहाँ पे, चेंज हो जाएगी। वो डिपेंड सिर्फ किस पे करता है, इट ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। यस भी नेक्स्ट टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट तरह के रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, उनको जोड़ना है मेरे को कम्बिनेशंस के अंदर। कम्बिनेशंस में दो तरह के कम्बिनेशन पॉसिबल हैं यहाँ पे अभी। फर्स्ट है सीरीज कम्बिनेशन, फर्स्ट क्या है सीरीज कम्बिनेशन। देखो एक बार सिंपल से एग्जांपल से दोनों को समझते हैं। एक सीरीज होता तो सेकेंड कौन सा होता है, सेकेंड होता पैरेलल, पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन। देखो सिंपल सा है, इसको सिंपल से एग्जांपल से हम पढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पंप है, वाटर पंप, इट इज ए वाटर पंप, जो पानी की मोटर होती है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक पाइप जुड़ी हुई है, पाइप छोटी होगी तो हम क्या घरों में क्या करते हैं, इसके पास एक और पाइप लगा देते हैं उसके सेकेंड एंड्स के ऊपर, फिर एक पाइप छोटी हो गई तो एक और लगा देते हैं। हमने क्या किया, पाइप्स को डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स को आपस में जोड़ दिया एंड टू एंड। इस एंड टू एंड कनेक्शंस को क्या बोलते हैं, सीरीज कम्बिनेशंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये पंप का काम क्या है, इस पानी की पाइप्स के अंदर पानी को फ्लो करवाना, ठीक है। ये पाइप ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये कौन है सी। अब क्वेश्चन ये है कि देखो सीरीज कम्बिनेशंस में क्या हो रहा है, जितना पानी एंटर कर रहा है उतना ही पानी क्या करेगा, एग्जिट करेगा, तो पानी क्या है कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब पानी फ्लो क्यों करेगा यहाँ से, पानी फ्लो करता हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो तीनों पाइप्स की प्रेशर की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम है, क्योंकि पानी फ्लो करता है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो तीनों पाइपों की प्रेशर की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो देखो तीन चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे भी। पहले तो मोटर का काम कौन करता है, बैटरी करती है, कौन करती है बैटरी, फ्लो कौन कर रहा है पानी, तो पानी का काम वाटर किसको मान रहा हूँ मैं, वाटर की जगह पे क्या लिख देता हूँ, करंट या चार्ज जो फ्लो करता है, और प्रेशर ऑफ वाटर प्रेशर में लिख देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस कंडीशंस के अंदर देखा जाए बैटरी करती है काम पंप का, फ्लो कौन कर रहा है करंट, किसकी वजह से कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कर रहा है। तो इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशंस के अंदर कांस्टेंट कौन है, जितना पानी एंटर किया उतना ही एग्जिट करेगा, तो पानी कौन है यानी करंट क्या है कांस्टेंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पे क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशंस। देखिए इसी तरीके का एग्जांपल करते हैं, इसमें मेरे पास एक पानी की पाइप है और यहाँ पे एक बीकर है, मेरे को क्या करना है इस पानी को बीकर में डालना है, ये पानी फ्लो कर रहा है यहाँ पे इस पाइप के अंदर, तो मेरे पास दो और बीकर हैं बिल्कुल इसके पैरेलल में, तो मैं चाहता हूँ एक साथ तीनों बीकर्स के अंदर पानी आए, तो ये बीकर वन ए है, ये बी है, ये कौन सा सी है। तो हमने क्या किया, किसी एक पॉइंट से कट किया और वहाँ पे एक और पाइप जोड़ दिए गई, तो अब क्या होगा तीनों बीकर्स के अंदर एक साथ पानी आएगा, जो पानी यहाँ पे आ रहा था पूरा अब वो तीन भागों में बढ़ चुका है, कुछ पानी यहाँ पे गया, कुछ पानी यहाँ पे गया, कुछ पानी यहाँ पे गया, तो तीनों पानी बीकर्स के अंदर पानी एक साथ आ रहा है, यानी जो पानी एक ले बी में आ रहा था वो तीनों भागों में बढ़ चुका है। पानी किसको बोल रहा हूँ मैं, करंट को, यानी करंट क्या हो रहा है तीनों के लिए चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन तीनों बीकर्स के लिए इस पॉइंट से कट किया गया है, तो तीनों के लिए प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तो हम बोल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर करंट वेरिएबल होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। देखिए
पहला पॉइंट पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस। एक बार लिखिए द एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन, एंड कनेक्शन, कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशंस। इसी में लिखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट रिमेन कॉन्स्टेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरिएबल। करंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वेरिएबल होता है। जोड़ेंगे कैसे? देखिए मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं एक ये आर वन मान लेते हैं, सेकेंड रेजिस्टेंस आर टू, थर्ड रेजिस्टेंस आर थ्री। इनको मैंने एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के एंड के साथ कनेक्ट किए गए हैं। ये जुड़ा हुआ है विद ए बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं वी मान लेता हूँ, रेजिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री, तो पक्की बात है करंट फ्लो करेगा बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव तक। करंट की वैल्यू को मैं आई ले लेता हूँ, इट इज़ आई। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशंस के अंदर हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग होगा, इट इज़ वी वन। ये कौन सा है? वी टू। ये कौन सा है? वी थ्री। ठीक है, डायग्राम बनाइएगा। अब देखिए कॉम्बिनेशंस की टॉपिक करने का बेस्ट तरीका ये है, जो भी वेरिएबल हो वो उसको लेके चलो। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं लेके चलता हूँ वी इज मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है नेट वी बैटरी का, तो तीन भागों में बटा हुआ है वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। आप ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए वी वन वी टू वी थ्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। ठीक है, तो आई वी वन की वैल्यू कितना होगा? यहाँ से वी वन इज इक्वल टू आई आर वन। आई मैंने चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि करंट की वैल्यू पूरे कॉम्बिनेशंस के अंदर सीरीज में क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है। तो आई आर वन वी टू आई आर टू वी थ्री आई आर थ्री। ठीक है, और नेट वी कितना होगा? इसके लिए करंट की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन रेजिस्टेंस हो कॉम्बिनेशंस का रहेगा आर एस, एस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशंस। इन तीनों चीज़ों को इसमें रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में रखिए वी का वैल्यू कितना है? आई आर एस इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। अभी यहाँ से आई कॉमन निकाला जा सकता है, आई आर एस इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई से आई कैंसिल कर दिया तो मेरा आंसर कितना आया? आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशंस। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए मान लेते हैं हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम है, ये 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 15 ओम। यानी जो रिजल्टेंट आंसर आया है वो इंडिविजुअल से क्या है? बड़ा है। इसलिए इनको लिखिए, लिखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन द नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकेंड कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन को लिखिए, एक बार लिखिए इन दिस कॉम्बिनेशन वी कनेक्ट ऑल रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
करंट इज वेरिएबल एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस इज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, करंट क्या होता है? वेरिएबल होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। तो कैसे होगा, देखिए हम दो पॉइंट बना लेते हैं, हमें सभी रेजिस्टेंस इनके बीच में जोड़ने हैं। तो एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे जोड़ दिया ऐसे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे ऐसे, इट इज़ आर वन आर टू आर थ्री, और यहाँ पे जोड़ा हम लोगों ने एक बैटरी। ठीक है, ये बैटरी को V मान लेते हैं, करंट फ्लो कर रहा है I, यहाँ से भी कितना वापस करंट आएगा I। अब देखिए ये करंट I जो जा रहा है वो तीन भागों में बटा, कुछ करंट यहाँ पे चला गया, कुछ करंट यहाँ पे, कुछ करंट यहाँ पे, यहाँ पे गया मान लेते हैं I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे कितना गया I3। डायग्राम बनाइए। तरीका क्या था करने का, जो भी वेरिएबल होगा उसको लेके चलेंगे। वेरिएबल कौन है यहाँ पे? करंट है, करंट वेरिएबल है, तीन भागों में बटा हुआ है, I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट। अब वही है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I1, यहाँ से I का वैल्यू कैसे निकलेगा? V बाई R1, क्योंकि V तो कॉन्स्टेंट है, हर जगह पर वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। I2 का वैल्यू कितना? V बाई आर टू। आई थ्री का वैल्यू V बाई आर थ्री। ठीक है, तो नेट I का वैल्यू कितना होगा? ये भी V रहेगा, इसके लिए आर पी ले लेता हूँ, पी फोर पैरेलल कम्बिनेशंस। ठीक है, इसको रख दिया मैंने पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में रख देते हैं, तो V बाई आर पी इज इक्वल टू V बाई आर वन प्लस V बाई आर टू प्लस V बाई आर थ्री। तो V बाई आर पी इज इक्वल टू V वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। तो V से V कैंसिल कर देते हैं, तो मेरा आंसर कितना हुआ? वन बाई आर पी इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यह भी आप सिंपल से एग्जांपल कर लेते हैं। मान लेते हैं तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम की है, तो मेरा नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से देखिए, इट इज़ 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई सिक्स प्लस 1 बाई सिक्स प्लस 1 बाई सिक्स इज इक्वल टू कितना? 3 बाई सिक्स, यानी 1 बाई आर पी का वैल्यू हुआ 1 बाई टू, और आर पी निकालना हो तो उल्टा कर देते हैं इसको, 2 ओम। आर पी इज इक्वल टू 2 ओम, यानी जो रिजल्टेंट आया है वो क्या है? इंडिविजुअल से भी क्या है? छोटा है। तो लिख लीजिए इसी में, इन पैरेलल कम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है।